Hi, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि एक past relationship से, एक karmic relationship से, एक narcissist family से, narcissist boyfriend, girlfriend, husband, colleagues, friends, उन लोगों से कैसे heal हुए. ये question कई बार पूछा जाता है but कोई solution नहीं मिला बहुत सारे लोगों को. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ स्मॉल वीडियो. दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग वीडियो, स्मॉल वीडियो. इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा. सो आप हो सके तो पूरा वीडियो देखिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो पास्ट हर्ट्स को कैसे हील करें, कैसे पुरानी चीज़ों को भुलाएं, कैसे यू नो, जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, कुछ लोगों का फिजिकल अटैचमेंट हो गया है, कुछ लोगों की यू नो, फर्स्ट मैरिज टूट चुकी है, सेकंड मैरिज टूट चुकी है, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है लाइफ में, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिल्कुल स्टक है उनकी लाइफ, उसको कैसे हील और कैसे ओवरकम कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे. नंबर वन पॉइंट, लेट इट गो. यू नीड टू लेट गो थिंग्स. जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो किसी रीज़न से हो रहा है, ज़बरदस्ती नहीं हो रहा, वो किसी रीज़न से हो रहा है. कुछ आपको सिखाने के लिए हो रहा है, कुछ आपको लर्न कराने के लिए लाइफ वो सारी प्रॉब्लम्स आपको दे रही हैं. अब सब पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, बुरे लोग तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, उनके पास सब कुछ होता है. वाई बिकॉज, क्यों उनके साथ अच्छा हो रहा होता है? क्योंकि भगवान जी उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं कभी भी. यू नो, उनके घर के बाहर से गुजरते हैं ना, वो कभी उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं. बट आपके घर में उनका हमेशा आगमन होता है, वो आते रहते हैं आपके घर में. ये चीज़ किसी को पता नहीं है बेसिकली. यू नो, उनका आना जाना हमेशा रहता है आपके घर में, राइट? आप अच्छे हो, आपने लोगों को बहुत हेल्प किया, आपने सबकी मदद करी और उन्होंने आपको धोखा दे दिया, आपके साथ बुरा किया, राइट? और आप बहुत रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो. वो लोग करके चले गए क्योंकि दैट इज़ देयर जॉब. उनको एक काम दिया गया है कि तुम इनके साथ बुरा करो, वो करते हैं बिकॉज दे आर वो मेडिटेशन करते नहीं हैं, वो गलत रास्ते पे होते हैं हमेशा, उनका रास्ता हमेशा गलत होगा, कभी सही रास्ता नहीं चुनेंगे वो अपनी लाइफ में. अगर ये डिफ़िकल्ट रास्ता होगा और ये इजी रास्ता होगा तो वो इजी रास्ता चुन लेंगे. इसका एंड बहुत अच्छा होगा और इसका एंड बहुत ही बेकार होगा तो वो ये रास्ता चुनेंगे. वो ऐसे लोग होते हैं, राइट? दे आर नार्सिसिस्ट पीपल. यू कैन नॉट चेंज देम बिकॉज वो नार्सिसिस्ट लोगों के साथ पल रहे होते हैं. नार्सिसिस्ट फैमिली मेम्बर्स, नार्सिसिस्ट वाइफ, जिनके वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स, जो उल्टा चिल्लाते हैं, ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गालियाँ देते हैं, फिजिकल, मेंटल, वर्बल सारे अब्यूज़ करते हैं, उन लोगों के साथ रह रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो भी वैसे ही नार्सिसिस्ट बन जाते हैं. सो जब भगवान जी यू नो, कभी भी आते हैं नीचे धरती पे, यू नो, जब भी वो एक राउंड लगाते हैं तो जितने भी अच्छे लोग होते हैं वो उनके घर में आते हैं. वो आते हैं, वो चेक करते हैं यू नो, क्या चल रहा है इस घर में, ओके, सब चेक करते हैं. बट जो बुरे लोग होते हैं उनके घर के बाहर से ही वो निकल जाते हैं. उनको सब देते हैं, वो बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे, पैसे, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, सब कुछ देते हैं, बट उनके घर में कभी नहीं घुसते वो, कभी नहीं. वो बाहर से ही निकल जाते हैं, वो देखते ही नहीं है उस तरफ, राइट? ये उनको एक ही बारी में देख के वो ख़त्म कर देते हैं कि ये लो, तुम्हारे पास सब कुछ है, नाउ यू नो, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू. पहला पॉइंट ही है कि लेट इट गो. उन लोगों को हमें लेट गो करना है, अपने मन में इस चीज़ को बिठाना है कि आई एम लेटिंग गो ऑफ माई पास्ट, आई एम लेटिंग गो ऑफ पीपल हु आर नो यूज़, जो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं. वो आपको बुरा करके चले गए. आप सोच रहे हो 4 बजे तक बैठ के, यार उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैंने तो उसके साथ कभी बुरा ही नहीं किया, मैं तो उसका कभी बुरा नहीं चाहता था, बट उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया. आप सोच रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपना आराम से सो रहा है, वो अपना आराम से सो रही है, ओके? सो यू हैव टू लेट इट गो. आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा. लेट गो कैसे करते हैं? मेडिटेशन से, वाइट लाइट मेडिटेशन. एक वीडियो बनाया है, वो आप डेफिनेटली चेक कीजिएगा. एंड चक्रा मेडिटेशन, बहुत सारे मेडिटेशन हैं, उन सब मेडिटेशन के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे.
आगे भी, ओके, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो आपको लेट गो करना है, मेडिटेशन करके ही आप लेट गो कर सकते हो या फिर अपने मन को समझा सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन को समझा नहीं पाते हैं और हम और भी परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, राइट। सो वो सब चीज़ें आप मेडिटेशन से काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो, बहुत आपको मदद मिल जाएगी। एंड मंदिर जाना, अल्लाह को बुलाना, आपके सेक्रेट बुक्स जो भी होते हैं, ओके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में भी, आपके जो सेक्रेट बुक्स उसको पढ़िए। आपको जितना टाइम मिलता है उतना टाइम पढ़िए। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए बाइबल उठाइए पढ़िए। आई रीड इट, जैसे कल मैं क्लास में बैठी हुई थी बट मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए उस टाइम, तो मैंने बाइबल के कुछ यू नो लाइन्स होते हैं वो पढ़े उस टाइम, मुझे पीस ऑफ माइंड मिल गया उसी टाइम थोड़ी देर के बाद, राइट। तो ऐसा करिए, डू इट फॉर यू फॉर द टाइम बींग, जब आपके नेगेटिव थॉट्स चल रहे हों आपके मन में। एंड डेफिनेटली मेडिटेशन से तो आपको काफ़ी हेल्प मिल ही जाएगा, जो मुश्किलें होती हैं वो अपने आप डिसअपियर नहीं होंगी। इसीलिए आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। लेट गो का मतलब माफ़ी भी होता है, उन सारे लोगों को माफ़ कर देना जिन्होंने आपकी लाइफ ख़राब की है, आपको दिक्कतों में डाला है, आपको प्रॉब्लम्स में डाला है। यू हैव टू फॉरगिव देम, आपको फॉरगिव। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे से फॉरगिवनेस नहीं, मैं नहीं दे रहा उसको फॉरगिवनेस, आई डोंट लाइक इट, उसका कर्मा का उसको मिलेगा ये वो। नो, यू हैव टू फॉरगिव देम, यू हैव टू फॉरगिव देम सो दैट आप आगे बढ़ सको लाइफ में, आपको सब कुछ मिल सके जो आप डिजर्व करते हो। अगर आप वहीं पे रहोगे आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी। दे आर ऑल एंजॉइंग देयर लाइफ, वो सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके पास सब कुछ है, एवरीथिंग। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट, एक्सप्रेस योर पेन एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका जो दर्द है उसको एक्सप्रेस करें। कैसे होएगा? जब आप चर्च जाते हैं तो वहाँ पे यू नो बेसिकली जब हम चर्च जाते हैं तो हम लोग यू नो ऐसे बैठते नहीं हैं, वी सिट ऑन आर नीज। आप नीज पे बैठते हो कि आपके नीज में दर्द होता है, यू नो नीज पे आप 10 मिनट बैठोगे तो दर्द होने लगेगा, राइट। यू सिट ऑन योर नीज एंड देन यू प्रे टू यू नो मदर मेरी दैट मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं। और यू नो वाइट लाइट मेडिटेशन के साथ साथ ही मैंने यू नो मदर मेरी को काफ़ी प्रेयर किया था कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, तो काफ़ी हद तक थोड़ी सी ठीक हो चुकी है और थोड़ी और रह रही है तो ठीक हो जाएगी बाई गॉड्स ग्रेस। सो आपको अगर आप क्रिश्चियन हैं तो डेफिनेटली आप अपने नीज पे बैठ के प्रे कर सकते हो। नॉर्मली आप प्रे कर सकते हो, अपने पेन को बता सकते हो भगवान जी से, लोगों से, 3D के लोगों को बताओगे तो पीपल विल लाफ एट यू, पीपल विल मेक फन ऑफ यू, उनको लगेगा अबे पागल औरत है ये, पागल आदमी है ये, क्या बोल रहा है ये, इसकी तो लाइफ में प्रॉब्लम ही चलती रहती है, इसको तो दिस पर्सन इज नॉट गुड, वर्थलेस है ये, इसको मर जाना चाहिए, ऐसे बोलेंगे वो। बट आपके जो भगवान जी हैं वो ऐसा नहीं बोलेंगे, ही विल लिसन टू यू, वो सुन रहे हैं सब कुछ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो सुनते नहीं हैं, वो सुनते हैं बट वो आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, बट वो सुन रहे हैं, ओके। अगर वो साधना में लीन है, अगर शिव भगवान जी अगर साधना में लीन है, ऐसा नहीं कि वो सुनते नहीं हैं, उनको सब पता है इस यूनिवर्स में क्या चल रहा है, कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या कांड कर रहे हैं, वो सब कुछ उनको पता है। वो आँखें मूंद के बैठे हैं बट वो सब सुन रहे हैं। तो आप डेफिनेटली अपना पेन एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई आपके बेस्ट फ्रेंड से डिस्कशंस कर सकते हो जो आपके काफ़ी क्लोज हो, जो आपको समझते हो, जो आपको 10-10 साल से 12-12 साल से जानते हो, जिनके सामने आप रो सकते हो, अपना पेन बता सकते हो, डेफिनेटली आप उनसे डिस्कशंस कर सकते हो। अगर आप किसी 3D के लोगों से नहीं कर सकते तो एंजल से आप डिस्कस कर सकते हो। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि भगवान जी हर जगह नहीं जा सकते, सो डेफिनेटली वो एंजल्स को भेजते हैं। तो यू नो एंजल्स आपको मदद कर सकती हैं उस चीज़ से हील करने में। तो आप एंजल्स की प्रेयर करें, उनसे बोलें, उनको एक्सप्रेस करें कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे हील कीजिए, या मेरी ये दिक्कतें हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही है, प्लीज़ मेरी मदद करिए।
वो आपकी जरूर मदद करेंगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानिए, नंबर टू पॉइंट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आपको पहचानना है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल भी रही है तभी भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपको भागना नहीं है, भागना नहीं है आपको। यू डोंट हैव टू रन फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको खड़े होके समझना है आपको। यू हैव टू टेक एक्शन। कुछ चीज़ें अगर अभी सही नहीं चल रही वो थोड़े दिन के बाद सही चलेंगी, ठीक हो जाएंगी, राइट। नंबर थ्री, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर एक्शन एंड देयर एक्शन एंड स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। हम विक्टिम प्ले करते हैं, हाय मेरी तबीयत खराब हो गई, हाय उसने मेरी नौकरी खा ली, हाय उसने मुझे बर्बाद कर दिया, हाय मेरा डिवोर्स हो गया, हम ऐसे बोलते रहते हैं। वो एक नेगेटिव ऑरा आपके अंदर बन रहा है, इट इज़ यू नो क्रिएटिंग अ नेगेटिव ऑरा आपके अंदर। आप एक नेगेटिव इंसान बन रहे हो, आपकी सबसे लड़ाई होगी, आप विक्टिम बन जाओगे, आप सबके सामने रोओगे, अरे यार मेरे साथ ऐसे हो गया वैसा हो गया। आप ब्लेम करोगे, अरे मैंने कुछ नहीं किया था, उसी ने तो किया था, सारी गलती उसकी, आप अपनी गलती नहीं देखोगे। सो यू हैव टू स्टॉप विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ दैट कि मैं एक बहुत बड़ा विक्टिम हूँ, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, क्या होगा। बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में घूमने लग जाए, आप अपने आप को गार्ड कर लोगे, उन आपके सर के ऊपर इतने बड़े बड़े सींग लग जाएंगे, बस वही थॉट्स चलते 24/7। रात को नींद नहीं आ रही, रात तक रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, सींग निकल रहे हैं, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, पागल हो जाओगे आप। वो चीज़ों को आपको स्टॉप करना है, यू हैव टू स्टॉप इट, अदरवाइज क्या करेंगे वो थॉट्स, वो रनिंग थॉट्स बन जाएंगे आपके दिमाग में। व्हाट आर रनिंग थॉट्स? नेट नहीं चल रहा, अब मैं काम कैसे करूँगा, ऑफिस का काम नहीं गया तो वो मेरी जान ले लेगा। रनिंग थॉट्स, मेरा बर्थडे मुझे किसी ने विश नहीं किया, जैसे मेरी बहन का बर्थडे था, रो रही थी, मेरे को किसी ने विश नहीं किया, मेरे को 10 साल से किसी ने विश नहीं किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई डू मेडिटेशन, आई डू योगा, आई डू एक्सरसाइज, आई डू वॉकिंग, आई डिस्कस माई थिंग्स विथ माई बेस्ट फ्रेंड कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है यार, मैं क्या करूँ, मैं उससे पूछती हूँ, वो मुझे हेल्प करता है। ओके, सो आपके रनिंग थॉट्स बढ़ जाएंगे। रनिंग थॉट्स बढ़ने से क्या होगा, इट विल लीड टू फियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डर लगेगा हर चीज़ से, हे भगवान क्या होगा अब। सेकेंड, इट विल लीड टू डिप्रेशन, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी बड़ी, पता नहीं कौन सी क्यूटिपिन और पता नहीं क्या क्या, दिमाग ख़राब कर देती है। जब वो दवाइयाँ आप लेते हो तो क्या होता है, एक अंधेरा सा छा जाता है आपके चारों ओर, आपको कुछ नहीं नज़र आता, आप हैलुसिनेट करने लगते हो डिप्रेशन में। सो इन चीज़ों को बहुत हील करना बहुत ज़रूरी है, एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में घुसने से पहले, एक नेक्स्ट एक्शन लेने से पहले, एक नई चीज़ शुरुआत करने से पहले, एक नई शादी में आने से पहले, आपको ये सारी चीज़ें हील करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हमेशा परटेन करेंगी और एंड तक जाएंगी आपके साथ, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डालेंगी। आपके रनिंग थॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे, मेरे को बर्थडे विश नहीं किया किसी ने भी, सारे दोस्त बेकार है मेरे, ऐसे बोलोगे आप, क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी ने विश नहीं किया। ये सब 3D के लोग हैं, ये आज आपको विश करेंगे, कल आप मर जाओगे, आपको भूल जाएंगे सारे के सारे, दे विल नेवर रिमेंबर यू, दे डोंट वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। आपका कनेक्शन किससे होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से होना चाहिए, भगवान जी से होना चाहिए, 4D 5D में आपका कनेक्शन होना चाहिए, नॉट विथ 3D पीपल एंड 3D मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हम खरीदते हैं, राइट, इनसे नहीं होना चाहिए आपका अटैचमेंट। मेरा घर, लोग बोलते हैं, मैंने सुना अपने घर में भी, मेरा घर है, मेरे पैसे हैं, मेरा TV है, मेरा अलमीरा मैंने खरीदा, मेरा टेबल मैंने खरीदा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये ऐसे मेरे पैसों से खरीदा है, मेरा वॉशिंग मशीन मेरा है, सब कुछ मेरा नहीं होता है। When you are connecting with spirituality, when you are connecting with 4D and 5D, मेरा नहीं होता, हमारा होता है, we are together, soulmates, twin flame क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग यू नो एक साथ हील होते हैं, एक साथ चीज़ें करते हैं,
हमारा होता है, हमारे पैसे, हमारे बच्चे, हमारी खुशियाँ, हमारे सपने। सो इसीलिए ये रनिंग थॉट्स आपको कहाँ पहुँचाएंगे? सुइसाइड तक, प्रॉब्लम्स तक। आपको कोई सोल्यूशन नहीं देंगे ये रनिंग थॉट्स, ये बढ़ते जाते हैं। सो मेडिटेशन इसीलिए बच्चों को बचपन से सिखाना कितना ज़रूरी होता है वो किसी को पता नहीं है। बचपन से सब लोग ये सिखाते हैं, चल उसने तुझे मारा तो उसको दो थप्पड़ लगा देना, या उसने तुम्हें उल्टा बोला तो तुम उसको उल्टा बोलना। दे विल नॉट टीच गुड थिंग्स। सो पीपल नीड टू रीपेरेंट देमसेल्फ एंड सिट विद देयर चिल्ड्रन एंड उनको मेडिटेशन सिखाएं मॉर्निंग में, कि वो मेडिटेट करे बचपन से, उनके अंदर वो आदत लगे। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके जो रनिंग थॉट्स हैं वो सप्रेस्ड हो जाएं, बिल्कुल जो भाग रहे हैं थॉट्स, मेरे को उसने छोड़ दिया, मेरे को बर्थडे किसी ने विश नहीं किया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मेरा डिवोर्स हो गया, अब मेरे से कौन शादी करेगा, अब मैं क्या करूँगा, मेरी लाइफ चली गई, मेरा करियर ख़त्म हो गया, मेरा सब बर्बाद हो गया। ये सारे रनिंग थॉट्स होते हैं जो बहुत तेज़ चल रहे होते हैं आपके दिमाग में, और इसका पेस अगर बढ़ जाए तो वो डिप्रेशन पे लीड करता है, देन इट कैन लीड टू अ सुइसाइड एंड इट कुड लीड टू यू नो डेथ डेफिनेटली। सो इन रनिंग थॉट्स को रोकने के लिए आपको क्या करना है, आपको विक्टिमाइज नहीं करना है अपने आप को। जो हो रहा है गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसे होने दो। दैट इज़ अ लर्निंग, दैट इज़ अ लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्स, सो दैट यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ताली तो दोनों हाथ से बजती है, अगर उसने गलती करी हो आपने भी गलती करी होगी, राइट? दोनों की ही साथ में कोई ना कोई गलती होगी, तभी वो रिलेशनशिप नहीं चला या तभी वो मैरिज फेल हो गया। सो आपको ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा उनको, विक्टिमाइज अपने आप को करना बंद करना पड़ेगा, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका आ जाता है हेल्दी खाना खाना, वॉक करना, मेडिटेशन करना, साधना करना, लोगों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, एंड अपने रनिंग थॉट्स पे काबू पाना विथ मेडिटेशन, विथ वाइट लाइट मेडिटेशंस, चक्रा मेडिटेशन, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कला मेडिटेशंस। ये सारे मेडिटेशंस यूट्यूब में अवेलेबल हैं, डेफिनेटली आप ये कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। यू विल चेंज योर लाइफ योर सेल्फ, आपको दिखेगा वो चेंजेस और आप खुद से फील करोगे कि दैट आई हैव चेंज्ड। इससे भी काफ़ी हीलिंग आपकी होएगी, आप हील करोगे पास्ट रिलेशनशिप से, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें आप भूलते जाओगे जो आपके साथ हुआ है बचपन में, आपको किसी ने परेशान किया हो, तंग किया हो, आपके कलर पे कुछ बोला हो, आपको उल्टा किया हो, आपकी शॉर्ट हाइट है आपको उल्टा बोल देंगे, क्योंकि वो सिखाया नहीं जाता है, ना ही स्कूलों में सिखाया जाता है, ना वो घर पे सिखाया जाता है मेडिटेशन करना, राइट? जब आप अच्छी चीज़ें सिखाओगे तभी तो सामने वाला बंदा अच्छे से बात करेगा आपसे, उनके घर में ही यही सिखाते हैं उनको। दिस इज़ व्हाट दे टीच देयर चिल्ड्रन। गोरी लड़की से शादी करना, गोरे लड़के से शादी करना, व्हाट द फक? कभी वो ये नहीं सिखाएंगे, दे विल नेवर टीच कि एजुकेटेड इंसान से शादी करना, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास पढ़ाई है, दे विल नेवर टेल दैट बिकॉज दे हैव नॉट लर्न दैट। सो हाउ कैन दे टीच दैट चिल्ड्रन? सो मेडिटेशन करने से काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल हो जाएंगी, और इन सब चीज़ों को हटाइए अपनी लाइफ से, तो आप अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन से, पास्ट लाइफ कनेक्शन इन द सेंस कि कार्मिक टाइज से आप कट ऑफ हो सकते हो, पास्ट हर्ट से दूर हो सकते हो। नंबर फोर, फोकस ऑन प्रेजेंट सिचुएशन। आपका जो फोकस होना चाहिए पास्ट में नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, भाग गया, हो मुझे छोड़ के मेरे पैसे भी ले लिए, पासपोर्ट भी ले लिया मेरा, बर्बाद कर दिया, भाग गया, धोखा दे दिया, दोस्त हो सकता है कोई, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, भाग गया, अब आप क्या करोगे? आप सोचते रहोगे। आपको प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में आपको अपने पेरेंट्स के साथ प्रेजेंट में रहना है, अपने भाई बहन है उनके साथ प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में मुझे कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है वो आपको देखना है। ये नहीं देखना है कि पहले क्या हुआ, उसने क्या किया, इसने क्या किया,
अभी में जीना है, आज में, आज में आपको क्या खुशी मिल रही है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू प्रेजेंट में रहने के लिए। फर्स्ट मैं हमेशा बोलूँगी मेडिटेशन करें, सेकेंडली म्यूजिक सुने, आपकी पसंदीदा चीज़ करें, वट एवर यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लाइक ड्रॉइंग, डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ समथिंग। इफ यू आर टैलेंटेड यू कैन डू समथिंग। इफ यू आर अ सिंगर यू कैन सिंग समथिंग। ओके, जैसे मैं अभी सिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके गाइस, आपको ग्लास पेंटिंग करना अच्छा लगता है वो करिए। आपको कुछ भी क्रिएटिव करना अच्छा लगता है, दिन में एक बार कुछ भी क्रिएटिव अपने आप के साथ कीजिए, अपने आप के साथ कुछ टाइम भी स्पेंड कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, यू आर वेरी बिजी, आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, आपके पास बहुत काम है, बच्चे हैं, एवरीथिंग, फिर भी आपको टाइम निकालना है, 10-15 मिनट मेडिटेट कीजिए, अपने साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, अपने लिए भी कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, उससे काफ़ी फर्क आएगा आपकी लाइफ में। देयर विल बी लॉट ऑफ यू नो चेंजेस आपको खुद दिखेंगे। आप प्रेजेंट में जियोगे, आज में जियोगे, आपको आज में जीना अच्छा लगेगा, राइट? वो पुरानी बातों को और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, आपके रनिंग थॉट्स को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के बच्चों में, जिनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता। मुझे साइकिल चाहिए तो चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, टिकटॉक बनाना है, मुझे यूट्यूब बनाना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ से आएगा? जब आप छोटे छोटे बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, उनको मेडिटेशन में अपने साथ बिठाएं, तब वो चेंजेस आएगा। और आज में जिए, आज की खुशियां देखें, आज के दिन में मेरे को कितनी हैप्पीनेस मिली, क्या चीज़ मैंने अपने अपने साथ अपने लिए किया कि मुझे खुशी मिली। दूसरों के अंदर खुशियाँ ढूंढना बंद करें, स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस इन अदर पीपल एंड अदर मटीरियलिस्टिक थिंग्स। वो ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा कभी भी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आपके अंदर है, इट इज़ इनसाइड यू, सो यू हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव जिससे आपको खुशी मिले, आपके मन की, आपके मन को शांति मिले। वो कैसे होगा? जब आप यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट नाउ विद जॉय हैप्पीनेस। ओके, छोटी छोटी चीज़ें करें, यू नो, जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। कुछ भी पेपर वर्क, जो यू नो पेपर से कटिंग करके कुछ करना चाहें आप, वो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू गाइस, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने गाना नहीं गाया। ओके, जहाँ पिया वहाँ मैं मेरे पिया, वहाँ मैं जहाँ पिया, वहाँ मैं मेरे पिया, वहाँ मैं देश भुलाया, परदेश बुलाया, देश भुलाया, परदेश बुलाया, संदेश ये आया मेरे यहाँ, जहाँ पिया वहाँ मैं, मेरे पिया वहाँ मैं। ओके, सो ऐसे गाने गाइए गाइस। ओके, एंड नंबर 5, दैट इज फॉरगिव देम। आपके पास रिलेशनशिप को फॉरगिव करना, जैसे मैंने सेकेंड पॉइंट में ही ये पॉइंट आपको बताया था, बट दिस इज़ अ लास्ट पॉइंट, बट यू हैव टू फॉरगिव देम, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप से माफ़ी मांगे, शायद आपने उनके साथ कुछ गलत किया होगा तो उससे माफ़ी मांगे, अपने आप से माफ़ी मांगे। उनसे अगर माफ़ी मांगने में आपको ईगो प्रॉब्लम लगती है, दिक्कत लगती है, आपको अच्छा नहीं लगता, अपने आप से माफ़ी मांगिए कि दैट आई फॉरगिव देम, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर हर्टिंग माई सेल्फ। अपने आप को माफ़ कीजिए, उनको भी माफ़ कीजिए, उसी से ही आप पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं, चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं, पुराने रिश्तों से आप बाहर आ सकते हैं, जो आपको रोक रहे हैं कार्मिक लोग, वो आपको रोकते रहेंगे कि आप अपने सोल जर्नी पे ना जाएं, कि आप अपने ट्विन से ना मिले, कि आप अपने सोलमेट से ना मिले, वो आपको रोकते रहेंगे। दे विल कीप ऑन यू नो डूइंग थिंग्स टू कीप यू, बट यू डोंट हैव टू
स्टे विद देम बिकॉज दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग, कुछ नहीं देंगे वो आपको, खोखला कर देंगे, खत्म कर देंगे आपको पूरी तरह। और बच्चे का लास्ट में कौन, आप, जिसको कोई नहीं सपोर्ट करेगा। सो उसके लिए आपको उनको भी फगिव करना है अपने मन में, अपने आप को भी फगिव करना है, लास्ट पॉइंट है। वंस यू डू दैट डेफिनेटली चेंजेस आपको नजर आएगा। एफर्मेशंस करें आपके लाइफ के बारे में, कैसे, एक पेपर उठाएं, वाइट पेपर, रेड कलर का पेन खरीदे, उस पर लिखें दैट आई एम हैप्पी राइट नाउ, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। आपके पास कुछ भी नहीं हो लाइफ में, फिर भी आप लिखे दैट आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, एक रोटी है तो भी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, आई हैव एवरीथिंग, 4D 5D में मेरे पास सब कुछ है, मैं भगवान जी से कनेक्ट कर पाता हूँ, मैं ड्रीम्स में कनेक्ट कर पाता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, अगर मैं 3D पे नहीं कर पाया तो 4D 5D में कर पाता हूँ। सारी चीज़ें लिखें प्रेजेंट मोमेंट में कि मैं बहुत खुश हूँ। एफर्मेशंस करोगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, आपके सोलमेट, आपके ट्विन, आपके जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं जो आपको कंटेंट बनाते हैं, वो रिलेशनशिप आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मैनिफेस्टेशंस करिए, मैनिफेस्ट करिए, म्यूज़िक के थ्रू यू कैन मैनिफेस्ट समबडी, म्यूज़िक के थ्रू आप अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, कैंडल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, कैंडल को सामने रखिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। जब आपके घर में कोई ना हो, शांति वाली जगह पे बैठ के करिए मैनिफेस्टेशन, चीज़ें अपने आप, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। पास्ट रिलेशनशिप आपके भूलते हुए जाओगे, आप उनको याद नहीं करोगे, वो कैसे होगा, मेडिटेशन के थ्रू भी हो सकता है। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे बहुत जल्दी, अपने पास्ट हर्ट्स को भुला पाओगे। ये तीन चीज़ें आप करिए, डेफिनेटली आपको चेंजेस नज़र आएगा। और बाकी जितने मेडिटेशंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर नए नए वीडियोस लेके आऊँगी, डेफिनेटली आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा गाइस। सो ऐसे आपकी हीलिंग हो सकती है। एक और वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप चेक कीजिए वाइट लाइट मेडिटेशन कैसे करते हैं। अदर मेडिटेशंस के वीडियोस भी मैं बनाऊंगी, आप डेफिनेटली देखिएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से, पास्ट हर्ट्स को भुलाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। ओके, इससे आपको कोई ना कोई छोटी सी हेल्प मिली हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी दैट समबडी इज़ गेटिंग सम काइंड ऑफ हेल्प थ्रू ऑल दिस वीडियोज़। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।